अरवली जिल्लाना मोडासा खाते सीपीएमना राष्ट्रीय नेता बिंदा कराड 21मा गुजरात राज्य अधिवेशन में हाजर रह्या हता अने भाजपनी तमाम नीतिओनो विरोध कर्यो हतो। अरवली जिल्लाना मोडासामां सीपीएमना नेता बिंदा कराड आव्या हता अने गुजरातमां थता भारतमां केटलीक जग्याए चालतो धर्मांतरणना मामले सरकार कोई कानून बनावो जोईए अने भारतना वडाप्रधान आ मुद्दे केम बोलता नथी, तेमणे आ मुद्दे बोलवा जोईए तेम कह्युं हतुं। जो घर वापसी का जबरदस्ती हिंदुत्व के नारा देकर जो हमारे देश की संविधान को चुनौती देकर कर रहे हैं, तुरंत बंद होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए उन पर। और मोदी जी की जो खामोशी है इस बारे में, ये भी जनता की और देश के लिए हानिकारक है। અમેરિકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામા ભારતમાં આવી રહ્યા છે તે માટે ભારતમાં કશું આપવા નહીં પણ લેવા માટે આવી રહ્યા છે। અમેરિકામાંથી ન્યુક્લિયર માટે ભારત મશીનરી ખરીદે અને તેને કોઈ જવાબદારી નહીં એવો કોઈ સોદો આ ભારત નહીં હિત માટે નથી। અમેરિકા કે પ્રેઝિડેન્ટ ઓબામા હિન્દુસ્તાન આ રહે હૈ દેને કે લિયે કુછ નહીં લેને કે લિયે આ રહે હૈ। અબ આપ સોચે અમેરિકા કી ન્યુક્લિયર કંપની સે હમ મશીન ખરીદેંગે ઓર ઓબામા જી ચાહતે હૈ कि कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो अमेरिका की कंपनी को बचने के लिए हमारे कानून को बदलने का वो पूरा दबाव और प्रयास कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड का भोपाल का जो हमारा अनुभव था, पूरे हिंदुस्तान जानती है अमेरिका की कंपनी की जिम्मेदारी अगर होगी तो उन्हीं को जवाबदेही बांधना पड़ेगा। लेकिन अभी मोदी सरकार इसी सवाल पर लंदन में बातचीत कर रही है ओबामा के साथ। ये क्या अर्थ है? ये हिंदुस्तान की जनता के से छिप कर जो बातचीत हो रही है हमारे देश के हितों के लिए ये नहीं है। भारत में मजूरों माटे गरीबों माटे जे कायदा कानून छे तेने मोदी सरकार द्वारा बदलावा माटेना प्रयत्नों कराई रहा छे। अने मोदी सरकारना राजमां मोदी कंपनीनुं राज चाले नहीं, लोकोनुं राज एटले लोको तहेमाम छे। आप मोदी की नीतियों से कितने सहमत है? कैसी लगती है मोदी की नीतियाँ? अब गुजरात मॉडल तो हिंदुस्तान भर का उसका असर पड़ रहा है। कैसे? जो कानून थे मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में, मोदी जी आते ही वो तमाम कानूनों को बदलने की, कमजोर करने की, समाप्त करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। और अभी जबकि हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जाना जा रहा है कुपोषण के राजधानी के रूप में, वहां अभी मोदी जी की पीएमओ के नेतृत्व में शांता कुमार कमिटी की जो सिफारिश है कि जो खाद्य सुरक्षा कानून बहुत संघर्षों के बाद बनी थी, उस कानून में 67% जनता को सस्ते दाम में राशन देने की जो कानूनी हक दिया था, मोदी जी की कमिटी ने 67% से कम करके 40% तक लाना चाह रहे हैं। और वो ही घटिया एपीएल बीपीएल की एक बार फिर पूरे देश भर में लागू करना चाह रहे हैं। तो मोदी जी की राज में कंपनी राज है, जनता की राज नहीं। બે દિવસ સુધી મોડાસામાં ચાલનારા આ અધિવેશનમાં કેટલાય ગુજરાતના મોટા માર્ક્સવાદી પક્ષના નેતા હાજર રહ્યા હતા અને ગુજરાત સરકાર તથા ભારત સરકારની તમામ નીતિઓનો વિરોધ કર્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, એસઆઈ ન્યૂઝ, અરવલ્લી।